लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। देश में कोरोना के 8,171 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 1.98 लाख के पार। कोटक बैंक के शेयर में 5% की तेजी, उदय कोटक की हिस्सेदारी बेचने की खबर। CBSE ने शुरू की काउंसलिंग सेवा, परीक्षा से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के बीच दिल्ली NCR में आज से CNG महंगी, सुबह 6 बजे से नए रेट लागू। लेडी कांस्टेबल से प्रेम में युवक को जिंदा जलाया, ग्रामीणों ने पुलिस पर बोला हमला। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान, निसर्ग की दस्तक, तटीय इलाकों में हुई बारिश। व्हाइट हाउस के बाहर हिंसा के बाद बोले ट्रंप, दंगे रोकने के लिए उतार रहा हूं हथियारों से लैस सेना। हिंसा में जल रहा है अमेरिका, करीब 40 शहरों में कर्फ्यू, हजारों गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में न के लिए कोई जगह नहीं, योगी आदित्यनाथ। लॉकडाउन में ढील के साथ ही बढ़े संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 8,361।